दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपके लिए सब्जेक्ट लेके आया हूँ, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा व्यवसाय है दुनिया में, अगर देखा जाए अमीर को अमीर बनने के लिए बहुत रास्ते हैं, मगर एक गरीब को अमीर बनने के लिए एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो दुनिया भर में इसको बहुत प्रसिद्धि मिल रही है। भारत के अंदर 2014 में इसके ऊपर कायदा लेके आए, सरकार इसके लिए सीरियस है। आज पंतप्रधान कौशल योजना के अंतर्गत आज बहुत सारा बिजनेस को बढ़ा रहे। आज इस व्यवसाय को लेके भारत के अंदर बहुत तेज़ी आ चुकी है, मगर कुछ प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं जो लोग आज भी इस व्यवसाय को कुछ अलग समझते हैं। आज उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, जो सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं और जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं, वो इस व्यवसाय के बारे में क्या बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपकी राय ज़रूर बदलेगी और आप भी इस इंडस्ट्री में आपका करियर बना सकते हो। वीडियो पसंद आएगा आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने टीम के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। बनो अपने खुद के बॉस। नेटवर्क मार्केटिंग इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो नहीं कहती कि आपका भविष्य आपके गुजरे कल के हिसाब से होगा। गुजरे कल को छोड़ो, अब आपको कैसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो। मैं और मेरे दोस्त हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की तरफदारी करते हैं, क्योंकि ये वाकई में एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस स्कूल है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस स्कूल से निकलकर नौकरी ढूंढने लगते हैं। ये बेवकूफी है। जब हमें अरबपति बिजनेसमैन दिखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज शुरू करते हुए, जब हम महान लेखक और उद्योगपतियों को नेटवर्क मार्केटिंग की तारीफ करते हुए सुनते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये एक जबरदस्त इंडस्ट्री है। ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज कई करोड़ों कई अरबों की कंपनियां बन गई हैं, स्टॉक मार्केट लीड करती हैं, ये मेजर कंपनीज बन गई हैं। आप स्कूल जाते हैं नौकरी पाने के लिए, लेकिन अगर आप रईस बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनिए, और नेटवर्क मार्केटिंग आपको सही माहौल देता है इसके लिए। हमारी सोसाइटी में 85% खरीदारी वर्ड ऑफ माउथ की वजह से होती है या नाम की वजह से। हम एक दूसरे को चीजें सारा समय रेकमेंड करते हैं। आपका डेंटिस्ट कौन है, डॉक्टर कौन है, लॉयर कौन है, कौन सा डिटर्जेंट आप यूज करते हैं। हम एक दूसरे से हर उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। जब आप किसी बड़ी दुकान पर जाते हैं तो क्लर्क आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, प्रोडक्ट डिटेल देना तो दूर की बात है। तो जब किसी दोस्त या पड़ोसी या रिश्तेदार या एक अजनबी से ही, जिसको भी उस प्रोडक्ट को यूज करने का एक्सपीरियंस हो, जब प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो वो बहुत मायने रखता है। किसी भी तरह की मार्केटिंग से नेटवर्क मार्केटिंग कंज्यूमर को ज्यादा अच्छे से सिखा समझा सकती है। ये एडवर्टाइजिंग से ज्यादा असरदार है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में बस थोड़ी सी जानकारी को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तो इसमें सब नहीं पता चलता। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग से आगे। यहाँ दुकान बनाने में पैसे वेस्ट नहीं होते, यहाँ माल पड़े पड़े वेस्ट नहीं होता, यहाँ बिना कस्टमर्स वाले एम्प्लॉयज नहीं होते, यहाँ लोग सीधा कस्टमर से जुड़ जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का फायदा है कि इसमें घुसना आसान है, रिस्क कम है और शुरू करने का खर्चा भी कम। बाकी हर काम में रिस्क बहुत ज्यादा है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ये शुरू हो जाता है, बना बनाया सिस्टम मिल जाता है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो मौका देता है आम जनता को इसमें जुड़ने का। ये मौका देता है एक आम इंसान को जिसके पास खुद का काम शुरू करने के साधन ना हो। जिस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पिछले 10, 15, 20 सालों में उभर कर आई है और ज्यादा लोग अब इसमें शामिल हो रहे हैं, मार्केट में ज्यादा फैल रही है, और इसीलिए मार्केट में लोग अब समझने लगे हैं कि हम कौन और क्या है। आजकल कौन और क्या है, आजकल बाकी कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की तरफ देखकर सोच रही हैं कि ये कुछ तो है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में करीब 500 लोग पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो $1 मिलियन या 7 करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना कमाते हैं। अगर इसे $2 मिलियन कर दिया जाए तो होता है $1 बिलियन साल का, यानी साल के 71 बिलियन में से 1 बिलियन गया, बचा 70 बिलियन। तो बाकी का पैसा कहां जाता है? ये जाता है बाकी सारे पार्ट टाइम लोगों को जो कुछ $100 से लेकर महीने के $1,000 तक बनाते हैं। ये जाता है उन लोगों को जो इसे फुल टाइम करियर बनाते हैं और इससे भी ज्यादा कमाते हैं। MLM ने सबसे ज्यादा देशों में सबसे ज्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है, और मैंने उनसे बात की है 67 कंट्रीज में,
किसी भी दूसरे बिजनेस के मुकाबले जीरो से करोड़पति। अगर आपके पास चॉइस है 10 साल जॉब करने की या 10 साल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की, तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का रिजल्ट बेहतर होगा। करीब 16 मिलियन अमेरिकन और 96 मिलियन यानी 9 करोड़ 60 लाख लोग पूरी दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक उसमें से 82% लोग इस बिजनेस से खुश या बहुत खुश हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग उन्हें जम गया है। हर कॉरपोरेट कंपनी एक पिरामिड होती है। सबसे नीचे हजारों MBAs काम करते हैं। आप फोर्ड या कोका कोला के साथ काम करते हैं, अगर ये सारे MBAs अगर टॉप पर पहुंचना चाहते हैं तो ये एक पिरामिड है। सिर्फ एक आदमी वहां पहुंचेगा हर 10 साल में एक। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग को देखिए, वो ऐसा है, आप यहाँ हैं और आपके पीछे और CEOs आते जाते हैं, तो ये एक उल्टा पिरामिड है। आज इंटरनेट का जमाना है, आज के जमाने में बिजनेस मोबाइल फोन पर ही हो जाता है, तो बताओ और क्या चाहिए। क्या कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे, बिना मेहनत के पैसे कमा लेंगे, तो कुछ गड़बड़ है। क्या कंपनी के पास प्रोडक्ट है जो आपको सही लगता है, जो बेचा जा सकता है, या जो आपको प्लान दिखा रहा है वो कह रहा है कि प्रोडक्ट को छोड़ो, वो मायने नहीं रखता, तुम्हें तो बस दूसरे लोग जोड़ने, ये खतरनाक है। ऐसा दिखे तो सोचें, दोबारा सोचें। कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और बिजनेस को समझें, थोड़ी सक्सेस हासिल करें और देखें कि अपॉर्चुनिटी आपको कहां ले जा रही है। पता लगाइए वो मेरी ट्रेनिंग, मेरी एजुकेशन, मेरी डेवलपमेंट के बारे में कितना सोचते हैं। क्या मुझे आज सीखने को मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ सीखिए जिस पे आप विश्वास करते हैं, इंडस्ट्री के बारे में सब सीखिए और बिजनेस चलाइए। पहले अंदर घुसने के बाद परखूंगा प्रोडक्ट को, कंपनी को, लोगों को, और फिर करूंगा, और सब सही लगा तो पूरा दम लगा दूंगा इसमें। नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है, इसमें बहुत मेहनत है, हार्ड वर्क है, अपने आप को बदलना होगा। दूसरे बिजनेस की तरह ये भी एक बिजनेस है, इसमें कुछ वक्त लगेगा मगर ये ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरी तरफ से कुछ सलाह है आपके लिए। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग परफेक्ट नहीं है, ये भावनात्मक है, चैलेंजिंग है, किसी भी दूसरे बिजनेस की तरह। इसमें अच्छे दिन और बुरे दिन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है खुद का काम करने का, तो ये बाकी सबसे अच्छा है। दूसरा, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो पूरा दिल लगाकर कीजिए, इसमें चैंपियन बनिए, बजाय इसके कि आप इसे बस टाइम पास के तरीके से करें। तीसरा, हर नए काम की तरह इसे भी आपको सीखना होगा, मगर मेरा वादा है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर की बातें, इन्हें सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं है। चौथा, इसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ऐसा मत सोचिए कि आज शुरू किया और कल मैक्स आउट और रिटायरमेंट। और पांचवा, इसे जरूर करना चाहिए, ज्यादातर लोग इसे अब भी समझते नहीं है, तो अनजान लोगों की वजह से आपके सम्मान को थोड़ी ठेस पहुंच सकती है, जिन्हें इसके बारे में पता नहीं। अगर आप इसे संभाल सकते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, अगर नहीं तो कोई भी बिजनेस शायद आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आप इस चुनौती का सामना कर सकें तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप उतना ही हार्ड वर्क करते हैं कि आपकी नौकरी न चले जाए, और वो बस इतने पैसे देते हैं कि आप छोड़ के ना जाएं। मैं भी अपनी जिंदगी में ये कर चुका हूँ। जिन लोगों को दूसरों से पूछने में डर नहीं लगता प्लान दिखाने के लिए, और फॉलो अप भी बिंदास करते हैं बिना डरे कि सामने वाला मना ना कर दे, फ्यूचर उनका ही है। कुछ नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, तो आपको काम करना होगा, अपनी जगह से हिलना होगा, वरना जिंदगी नहीं बदलेगी। और आपका काम है बाकियों को भी एंटरप्रेन्योर बनना सिखाना, समाज का भला कीजिए। या तो आप इसे पूरे दिल से कीजिए या मत कीजिए, ये कभी अंदर कभी बाहर वाला काम ऐसा मत कीजिए। आने वाले समय में लोग ये नहीं पूछेंगे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं क्या, वो पूछेंगे कौन सी नेटवर्किंग कंपनी के साथ आप अपना मार्केट बिल्ड कर रहे हैं। हम यहाँ लोगों के साथ रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, दुनिया को बेहतर जगह बनाना चाहते हैं, और असली सफलता होती है एक एंटरप्रेन्योर की जब किसी को कुछ सिखाया जाए और उसे ऊपर उठते हुए देखे, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं।